टाइगर पार्क के अंदर आप दो तरीके से घूम सकते हो। सो गाइस यहाँ पे एक और बैठा है तो उसके साथ भी हम फोटो वीडियो बना लेते हैं। यार इतना बड़ा बाघ टीवी में ही देखा था। सो गाइस आपको मैं अभी टाइगर पार्क एक प्राइस बता देता हूँ। केरला से मेरे साथ है मिथुन और हम दोनों साथ में इसीलिए अंदर आए बिकॉज ऑफ सिंगल पर्सन अलाउड नहीं है। एक बार जरूर आइए आप टाइगर पार्क में और ये एक्सपीरियंस करना मत भूलिएगा। रियली रियली अमेजिंग बिकॉज ऑफ एकदम जिंदा बाघ, वो भी आपके हाथों में। वाह हेलो गाइस, मेरा नाम है देव और थाईलैंड सीरीज़ के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो गाइस अभी मैं हूं पटाया में और पटाया सिटी के अंदर मैं अभी घूमने आया हूं टाइगर पार्क। अभी टिकट बाई कर ली है और कौन से टिकट बाई की है वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता हूं। एक मैंने मीडियम टाइगर की टिकट बाई की है और एक जो 350 की राइड है टाइगर पार्क की वो मैंने बाई की। तो गाइस टाइगर पार्क के अंदर आप दो तरीके से घूम सकते हो। पहला वाला तरीका है आपको अलग अलग टाइगर्स के साथ फ़ोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा। उसके अलग अलग रेट है। रेट मैं अभी आपको बता दूंगा कितना कितना रेट है। और सेकंड जो है वो मिनी वैन के अंदर आप बैठ के पूरा टाइगर पार्क घूम सकते हो। और एक और साथ में ऑप्शन है वॉकिंग अराउंड, आप चल के पैदल चल के जाके टाइगर पार्क देख सकते हो। कौन से टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवाओगे तो उसकी क्या रेट है और जो वैन है जिसके अंदर बैठ के आप पूरा टाइगर पार्क टूर कर सकते हो उसकी क्या प्राइस है, वो प्राइस की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। सो गाइस ये है टिकट काउंटर और ये है हेल्प डेस्क और सामने आपको पेमेंट करनी है। ओके सो सबसे पहले आपको यहाँ से टिकट परचेस करनी पड़ेगी और राइट साइड जाना है आपको, टाइगर पार्क पटाया लिखा है, वहाँ पे जाके आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके सो गाइस आपको मैं अभी टाइगर पार्क की प्राइस बता देता हूँ। सो गाइज़ ये है टाइगर पार्क पटाया की प्राइस। टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हो तो अलग अलग टाइगर और अलग अलग प्राइस है। आप 2 से 5 साल के टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवाओगे तो 650 बात है। मीडियम टाइगर 550, स्मॉल टाइगर 550, स्मॉलेस्ट टाइगर 650 प्राइस है। और ये एक साथ में आपको 2-3 टाइगर के साथ भी आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो। और ये है फॉरेस्ट सफारी कार, इलेक्ट्रॉनिक कार होती है, इसकी प्राइस है 350 और वॉकिंग अराउंड आपको जाना है तो इसकी प्राइस है 200। सो गाइस अभी मैंने आपको टाइगर पार्क की टिकट प्राइस की इंफॉर्मेशन दे दी है। पहली मेरी जो टिकट है वो है ओके सबसे पहले मैं जाऊंगा मीडियम टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। सो गाइज़ आपको लेके चलता हूं और दिखाता हूं मीडियम टाइगर। सो गाइज़ यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, अगर आपको कुछ खाना है तो यहाँ पे बैठ के खाना भी खा सकते हो। ओह हेवी ओके आप ओके medium one here and medium one here no? वन मीडियम ना। तो गाइज़ हम अंदर आ चुके हैं और पूरा सीन आपको दिखाऊंगा, एकदम कड़क वीडियो होने वाली है। तो गाइज़ अभी मैं आ चुका हूँ टाइगर पार्क के अंदर और मैंने जो टिकट बाई की है मीडियम साइज़ के टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवाने की। तो अभी मैं जा रहा हूँ और गाइस अभी भी डर लग रहा है बिकॉज़ मैंने टिकट तो बाई कर ही ली है, लेकिन अभी मेरा शरीर ना थोड़ा काँप रहा है बिकॉज़ अब मैं 2019 में जब थाईलैंड आया था तब मैंने श्री राचा टाइगर पार्क के अंदर फ़ोटो खिंचवाई थी, लेकिन वो छोटा था। तो अभी तो ये मीडियम साइज़ का यानी थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा टेंशन भी है, लेकिन देखते हैं, अभी जाते हैं और दिखाता हूँ आपको मीडियम साइज़ का टाइगर। गाइस यहाँ पे डिस्प्ले पर आपको कौन से केज में जाना है, बिग, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलेस्ट, सो वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पर दिखाई देगी। सो गाइस अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं केज के पास तो आ गया हूँ, लेकिन मेरा नंबर अभी 10वां नंबर है। तो जब 10वां नंबर आएगा तब मुझे एंट्री अंदर मिलेगी, तब तक आपको और नज़ारे टाइगर पार्क के में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक बाघ घूम रहा है, वो आपको मैं एक सीन दिखा देता हूँ। ये देखो ना कितना बड़ा है, अरे मेरी तो ऐसे ही फट रही है, नज़दीक जाने पे क्या होगा वो पता नहीं। तो गाइस जब तक हमारी बारी आती है तब तक आपको मैं टाइगर पार्क का वॉकिंग अराउंड सीन आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे मीडियम साइज़ के टाइगर की एंट्री होगी और ये आपको आगे लेके चलता हूँ। और गाइज़ ये है बेबी टाइगर, तो ये बेबी टाइगर का केज। और लेफ़्ट साइड आप जाओगे तो आपको एग्ज़िट मिल जाएगा, और ये जो है वो है राइड सफारी के लिए। तो हमें इस छोटी सी कार में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक कार के अंदर बैठ के राइड सफारी के लिए जाना है। तो अगर आपको फ़ोटो खिंचवानी है टाइगर के साथ तो इतने ही केज है, और यहाँ पे आप अलग अलग टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हो। उसके बाद आप स्मॉल कार के अंदर आप राइड ले सकते हो और पूरा टाइगर पार्क एंजॉय कर सकते हो। तो फिर से हम चलते हैं अभी स्मॉल केज की ओर, वहाँ पर वेट करते हैं, हमारी जब बारी आएगी तब हम आपको दिखाएंगे। स्मॉल टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे और वीडियो भी बनाएंगे, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा टाइगर के साथ वो भी आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो वीडियो कमाल की होने वाली है, वीडियो में एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो गाइज़ अभी मैं आ चुका हूँ केज के अंदर, और अभी मैं जाने वाला हूँ, दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई है, लेकिन आपको लेके चलता हूँ और क्या सीन है वो पूरा आपको मैं दिखाता हूँ। So guys केज के अंदर हम आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं टाइगर के पास। So मैं अकेला हूँ, इस वजह से मुझे ग्रुप में भेजा गया है, और अभी मेरे साथ केरला से आपका नाम क्या है? मिथुन। केरला से मेरे साथ है मिथुन, और हम दोनों साथ में इसीलिए अंदर आए बिकॉज ऑफ सिंगल पर्सन अलाउड नहीं है, और ये भी सिंगल है, थोड़ा कंपनी भी हो जाएगा और साथ में फ़ोटो खिंचवाने का कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। तो गाइस देखिए मेरे पीछे बैठा है, और अभी मैं इसके पास जाऊंगा और उसको छूंगा, तो वो भी एक्सपीरियंस आपको मैं बाद में शेयर करूंगा। Really amazing experience. Okay. So guys यहाँ पे एक और बैठा है, तो उसके साथ भी हम फ़ोटो वीडियो बना लेते हैं। अभी भी थोड़ी धड़कनें तेज़ है, लेकिन थोड़ी कम हुई बिकॉज अभी एक बार तो मैंने हाथ लगा लिया, तो थोड़ा अभी टेंशन कम हो गया है। इसके साथ भी फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो गाइज़ ये देखिए जिंदा बाघ, वो भी आपके सामने, वो भी खुला। too crazy. So guys, one more tiger के साथ हम pet video बनाने वाले हैं. That is so beautiful. वेरी गुड एक्सपीरियंस यार. इतना बड़ा बाघ टीवी में ही देखा था, लेकिन मैं हाथों से फैला रहा हूँ. अभी थोड़ा डर कम हो गया अपना. सो गाइज, व्हाट एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस एंड व्हाट एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस यार. इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, मैं आपको वीडियो में बता नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बयां कर देता हूँ कि जिंदा बाघ आपके साथ बैठा हो और आपकी धड़कनें लिटिल बिट नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए. तो आई एम नॉट जस्ट किडिंग, ओके, बट रियली मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है. सो गाइस, जब मैं अंदर गया, हाँ, उनको जब मैंने बाघ को हाथ लगाया तो इतना ज़्यादा डर लगा कि पूछो मत. लेकिन जब पहले बाघ को मैंने जब हाथ लगाया, उसके बाद थोड़ा गुड फील हुआ, और उसके बाद दूसरे के पास गया तो थोड़ा बेटर और लगा. और जैसे ही बाहर आया, नाउ आई एम रिलैक्स. एक बार आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप पटाया में आ रहे हो तो एक बार ज़रूर ये एक्सपीरियंस कीजिएगा, बिकॉज रियली रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस. आपने जो भी टिकट का प्राइस पे किया है वो आपका वर्धित रहेगा, आपका वो फुल टू फटाक वसूल हो जाएगा पैसा. तो ज़रूर से एक बार ये ट्राई कीजिएगा. मैंने जो टिकट बाई की थी वो थी मीडियम, बिग मीडियम बाघ की बाई की थी. उसकी जो प्राइस है 550 बाघ, ओके. तो ये मेरा एक्सपीरियंस अमेजिंग रहा. 2 बाघों के साथ मुझे फ़ोटो खिंचवाना, वीडियो बनाने का मौका मिला. सो गाइज, रियली रियली आई एम सो एक्साइटेड, सो ब्यूटीफुल मोमेंट in my entire life. So thanks for Thai government and thanks for Tiger Park. So guys, ये वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना. Love you, take care, bye bye. So guys, ये सामने जो बैटरी से चलने वाली कार खड़ी है, उसके अंदर बैठ के हम जाने वाले हैं. ये तार जो आप देख रहे हो गाइस, ये तार को आपको छूना नहीं है, बिकॉज यहाँ पे करंट पास होता है. आपको ताली नहीं बजाना है, फ्लैश नहीं चालू करना है, और साथ में आपको जोर शोर से बोलना भी नहीं है. तो क्या नज़ारा है, वेरी ब्यूटीफुल. इतने नज़दीक से देखो, ये देखो, ये पानी में जा रहा है. तब ब्रिज बना हुआ है छोटा सा. 4 बाघ है इधर. तो वो मैं थोड़ा धीमे से बोलूँगा, आप थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के सुन लीजिएगा.